रफ्तार के मामले में कहर। तेंदुआ बिल्लियों की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी प्रजाति है। चीते जैसी रफ्तार तो नहीं है, लेकिन इतनी रफ्तार जरूर है कि किसी भी शिकार को पल भर में दबोच ले। एक बार जो यह किसी जानवर या इंसान के पीछे पड़ जाए तो ऐसा नहीं हो सकता कि उसे ना पकड़ पाए। किसी ट्रक से भी तेज दौड़ सकता है ये तेंदुआ। अपनी रफ्तार और फुर्ती के दम पर जंगल के राजा शेर पर भी भारी पड़ने वाला तेंदुआ आसानी से हार नहीं मानता। वहीं दूसरी तरफ पिटबुल डॉग, जिसे खास तौर से शिकार के लिए डिजाइन किया गया है, आमतौर पर शेर पिटबुल डॉग को फाइट में हरा देता है, लेकिन क्या ये कारनामा तेंदुआ कर पाएगा? आइए देखते हैं। इससे पहले कि हम ये देखें कि कौन सबसे ज्यादा ताकतवर है और फाइट में सामने वाले पर भारी है, हमें इन दोनों ही जानवरों के बारे में कुछ जरूरी बातें जान लेनी चाहिए। तो आइए सबसे पहले हम आपको तेंदुए से जुड़ी कुछ जरूरी बातें बताते हैं। दोस्तों, तेंदुआ जंगली बिल्ली की दूसरी सबसे बड़ी प्रजाति है, जिसे भारत में गुलदार और बघेरा नाम से जाना जाता है, और इसका वैज्ञानिक नाम होता है पैंथेरा पार्ड्स। एक व्यस्क तेंदुए के वजन की बात की जाए तो यह लगभग 100 किलोग्राम के आसपास होता है। वैसे तो इसकी लंबाई 100 से 190 सेंटीमीटर के लगभग तक होती है, वहीं इसकी पूंछ 3 फीट तक लंबी होती है। तेंदुआ ज्यादा से ज्यादा 12 से 14 साल तक जीता है और कम से कम इनकी उम्र 10 साल तक होती है। वैसे तो तेंदुआ काफी अग्रेसिव माना जाता है, लेकिन इन्हें ज्यादातर समय अकेले और छिपकर बिताना ही पसंद होता है, और ये अपने शिकार पर भी घात लगाकर हमला करते हैं। इनके शरीर पर ब्लैक कलर के डॉट्स होते हैं, जो इन्हें छिपकर हमला करने में मदद करते हैं और इनकी पहचान में भी हेल्पफुल रहते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग चीता और तेंदुए को एक ही समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके अलावा ये आपको शिकार के समय ही बाहर नजर आएंगे, क्योंकि ये ज्यादातर एकांत में रहना पसंद करते हैं। किसी भी तेंदुए को पहचानने के लिए उसके शरीर का आकार और उसके स्किन पर बने ब्लैक डॉट्स को देखा जा सकता है। तेंदुए की स्किन काफी नरम और डार्क येलो कलर की होती है। तेंदुए की आंखें काफी दूर से ही शिकार को देख लेती हैं, जिस वजह से दूर से आ रहे शिकार के इंतजार में घात लगाकर पेट पूजा करता है। तेंदुआ हमेशा अपने शिकार को अचानक झपटता है, इसलिए ज्यादातर मामलों में शिकार जिंदा नहीं बच पाता। इसके अलावा तेंदुआ एकमात्र ऐसा जानवर है जो अपने शिकार को मारने के बाद आसानी से पेड़ पर खींच कर ले जाता है। तेंदुए के पीछे के पैर आगे की पैर की तुलना में थोड़े बड़े होते हैं, जिसकी मदद से तेंदुआ बड़ी आसानी से पेड़ पर चढ़ सकता है। दुनिया में तेंदुए की कई प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से तेंदुआ दिन में शिकार करने वाली सबसे बड़ी प्रजाति है। तेंदुआ ही एक ऐसा जानवर है जो अपने शिकार को एक ही बार में झपट लेता है। इसके शरीर की बनावट भी इसके शिकार को दबोचने में काफी मदद कर सकती है। ये हमेशा अकेले ही शिकार करते हैं, हालांकि शिकार के बाद पूरा परिवार मिलकर भोजन का आनंद उठाता है। बिल्लियों की दूसरी प्रजाति म्याऊं करती है, जबकि तेंदुआ गुर्राता है। बड़े से बड़े जानवरों को भी तेंदुआ अकेला ही खदेड़ देता है। ये जानवर 58 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग सकता है, जबकि कभी कभी ये रफ्तार घटती बढ़ती भी रहती है। अब आइए देखते हैं पिटबुल को। दोस्तों, पिटबुल डॉग्स बुलडॉग और टेरिटियर नस्ल के डेवलप हुए डॉग्स हैं, क्योंकि पिटबुल की बहुत सी नस्लें पाई जाती हैं, इसलिए कभी कभी पिटबुल को पहचानना काफी मुश्किल हो जाता है। वैसे क्या आपको पता है कि इन डॉग्स को पिटबुल क्यों कहा जाता है? कोई नहीं, हम है ना। दरअसल इन कुत्तों को बुलडॉग जैसे कुत्तों से लड़ने के लिए विकसित किया गया था, इसलिए इन्हें पिटबुल डॉग कहते हैं। दरअसल काफी टाइम पहले बुलडॉग फाइट हुआ करती थी। इसमें बुलडॉग से कुत्तों को लड़ाया जाता था, लेकिन बुलडॉग को हराने वाला कोई नहीं था, इसलिए पिटडॉग को विकसित किया गया। इसके बाद इस फाइट पर बैन लग गया, तो अब पिटबुल पैट डॉग बन गया। लेकिन आपने देखा होगा कि कुत्तों की यह प्रजाति ज्यादा तर पुलिस या आर्मी के पास ही नजर आती है, क्योंकि वो उसे सर्च ऑपरेशन और कई सीक्रेट मिशंस में सच का पता लगाने के लिए काम में लेते हैं। एक पिटबुल के वजन की बात की जाए तो ये 18 से 27 किलोग्राम तक का हो सकता है। इसके अलावा इनकी ऊंचाई 18 से 21 इंच तक होती है और इनकी औसत आयु 8 से 15 साल तक होती है। नेचर में ये काफी अग्रेसिव माने जाते हैं, जो आसानी से किसी पर भी हमला कर सकता है। तो चलिए अब देखते हैं कि अगर तेंदुआ और पिटबुल आमने सामने आ जाएं, तो जीत किसकी होगी।
जैसा कि हम जानते हैं कि तेंदुए की रफ्तार 58 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है, जबकि पिटबुल सिर्फ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भाग सकता है। वहीं अगर हम पिटबुल के बाइट फोर्स की बात करें तो ये 300 पीएसआई तक होता है, जबकि अगर एक तेंदुए के बाइट फोर्स को देखें तो वो 400 पीएसआई तक होता है और इसके दांत भी पिटबुल से ज्यादा नुकीले होते हैं। साथ ही तेंदुआ एक ट्रेंड शिकारी है क्योंकि उसे बचपन से ही शिकार पर जिंदा रहना होता है, तो उसे पता होता है कि शिकार कैसे होगा या क्या स्टेप्स होंगे और घात लगाकर शिकार करने के मामले में अच्छे अच्छे जानवरों को भी ये पछाड़ देता है। जबकि पिटबुल एक पैट एनिमल है, लिहाजा उसे शिकार की कोई ट्रेनिंग नहीं मिलती, इसलिए जब भी एक तेंदुआ और पिटबुल आमने सामने आएंगे तो जीत बेशक तेंदुए की ही होगी। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर बहुत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। साथ ही आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि इस तरह की वीडियोस आपको बिना किसी रुकावट के मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर दो और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें।